अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जहां इस पावन अवसर पर देश भर में अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वहीं धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर पर भगवान का पूजन अर्चन कर पावन दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। रणजीत हनुमान मंदिर पर आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान में बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, अजय वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, विधायक मालिनी गौड़, पुजारी दीपेश व्यास समेत तमाम भक्तजन मौजूद रहे। इस दौरान भगवान का पूजन अर्चन करने के साथ ही आतिशबाजी और मिठाई का वितरण भी किया गया। मुझे लगता है कि हम सब भाग्यशाली हैं जो आज ये दिन देख पा रहे हैं। प्रभु श्री राम आज भव्य दिव्य मंदिर उनका बन के तैयार है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि सनातन हिंदू धर्म के लिए आज इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता। हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। भगवान राम हमारे आराध्य, हमारे प्राण, आज अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो विराज रहे हैं। मुझे लगता है इस दिन की तुलना शब्दों में नहीं की जा सकती। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है आज हम सब हिंदुओं के लिए, सब सनातन धर्म के लोगों के लिए। आज पूरे विश्व के अंदर ही राम में हो चुका है और राम जी की ऐसी लीला है कि राम हमारा आराध्य है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है और राम ही हमारे भगवान है। आज ऐसा दिन है कि ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस अवसर पर रणजीत हनुमान मंदिर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला, जहां युवाओं की बड़ी संख्या भगवान के दर्शन के लिए पहुंची थी। अद्भुत दृश्य है और ऐसा लग रहा हम सतयुग में आ गए। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर में रामलला जी आज विराजित होने वाले हैं, 500 वर्ष पुराना जो सपना था वो आज पूरा हुआ। लक्ष्मण सिंह जी, लखन दादा और उनकी पूरी टीम कार सेवा करने गई थी और आज लखन जी नहीं है लेकिन उनका और उनके कार सेवकों का सपना पूरा हुआ है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी हमारे बीच में देव तुल्य बनकर आए हैं, जो 500 वर्षों से पुराना मुद्दा चल रहा था वो एक झटके में उन्होंने पूरा किया है। और सभी लोगों के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज अपने महल में विराजित होने जा रहे हैं। सब लोग आनंदित हैं, सब लोगों में एक अलग खुशी है, सभी और राममय माहौल होगा पूरे देश में, पूरे विश्व में। सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना कर रहे हैं, कोई भजनों द्वारा, कोई यज्ञ द्वारा, कोई अपनी आत्मशांति के लिए पाठ कर रहा है, कोई दिए जला रहा, दीपक जला रहा। और हमारी ये पूरे देश में और पूरे विश्व में दीपावली के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज रामलला विराजित हो रहे हैं। और ये अद्भुत दृश्य हम बहुत भाग्यशाली के हमको देखने मिल रहा है, हमारी पीढ़ी को देखने मिल रहा है। तो मैं सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और आगे हम सभी लोगों को लेकर अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो राम जी को अपने महल में प्रतिष्ठित होते देखने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। सनातन धर्म के लिए बड़े ही गौरवशाली क्षण है। उसी के उपलक्ष्य में जिसके पूरा परिदृश्य आप देख रहे हैं, भक्तों में असीम हर्षोल्लास का माहौल है। सुबह से ही विभिन्न प्रकार की मंडलियाँ मंदिर पर भगवा ध्वज लेकर वितरण कर रही है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि हम त्रेता युग में पहुँच गए हैं। इस अवसर पर रणजीत हनुमान मंदिर को भी अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, राम जी का श्रृंगार किया गया है। शाम को यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, आतिशबाजी यहाँ पर की जाएगी, दिन भर विभिन्न प्रकार की सुंदरकांड मंडलियों से यहाँ पर पाठ किए जा रहे हैं और दिन भर भक्तों को यहाँ से प्रसाद वितरण किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जहाँ इस पावन अवसर पर देश भर में अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।